हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्क्वेयर्स ऑफ 11 टू 32। फॉर स्क्वेयर ऑफ 11 वी राइट 11 इंटू 11। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 1 into 1 वी विल डू 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1। देन 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो लास्ट डिजिट इज 1 एंड दिस इज मिडल डिजिट। Okay, so last digit is 1, right? This is middle digit, and this is last digit, middle digit is 2, then again we will multiply 1 into 1, okay, so 121. देन इफ वी वॉन्ट टू मल्टीप्लाई, मतलब हमने वापस क्या किया, 1 into 1 तो 1 किया। देन इफ वी वॉन्ट टू मल्टीप्लाई 12 into 12 square। सो फर्स्ट वील मल्टीप्लाई दिस 2 into 2 दैट विल बी अवर लास्ट डिजिट। सो 2 to 4, देन 2 + 2 दैट इज इक्वल टू अगेन 4। ओके, देन this 1 into 1 we will multiply, so 1 into 1 that is equal to 1. So we can write here that this is our middle digit, and first digit will be 1, as here this is first digit. Okay, so 1 into 1 that is equal to 1. This is our first digit. Okay, so here we can see that difference between 11 square and 12 square is 2n + 1. Okay, dono ke beech mein farak kya hai, 2n + 1. To 11 aur 12 ka difference hame find karna hai, to n ki value hum kya lenge, 11 lenge. तो 2 into 11 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 22 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 23। 11 का स्क्वायर क्या है, 121 प्लस 23 करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, 144। सेम वे 13 स्क्वायर इफ वी डू। और दूसरी भी एक बात हम चेक करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितने डिजिट है। सो देर आर 2n नॉन स्क्वायर डिजिट्स बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो 2 into 11 दैट इज इक्वल टू 22 नॉन स्क्वायर डिजिट्स बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। ओके, 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, तो वो कौन से, 122 to 143, बराबर। तो ये 122 से 143 अगर हम काउंट करेंगे तो कितने मिलेंगे हमें, 22 मिलेंगे। ओके, सेम वे इफ वी डू 13 स्क्वायर। ओके, 13 स्क्वायर करेंगे हम, 13 into 13, सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 3, तो 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9। ओके, दिस इज अवर लास्ट डिजिट, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट लिख देंगे हम। देन 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, दिस इज अवर मिडल डिजिट इज 6। देन फर्स्ट डिजिट विल बी 1 into 1। ओके, दिस 1 into 1 इज अवर फर्स्ट डिजिट, 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट डिजिट। ओके, तो एक बात हम चेक करेंगे, जैसे 13 का स्क्वायर फाइंड कर लिया हमने, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169,
31 का स्क्वायर अगर हमें करना है, 31 स्क्वायर, ओके, तो 31 13 का उल्टा है, तो 13 स्क्वायर इज रिवर्स ऑफ 13, 13 स्क्वायर, सो 31 स्क्वायर इज 961, राइट। 961 किसका उल्टा है, 169 का। दूसरी भी एक बात हम चेक कर सकते हैं, 12 स्क्वायर क्या था, 12 स्क्वायर 144 है, तो उसमें भी 2n+1 फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 × 12+1 दैट इज इक्वल टू 24+1 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 25। तो 144 में अगर हमने 25 ऐड कर लिया तो क्या मिलेगा, 169 एंड दैट इज 13 स्क्वायर। तो बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर वी हैव 2n नंबर्स, ओके, वी हैव 2n नंबर्स, वी हैव 2n नंबर्स मीन्स 2 × 12 मतलब 24, तो 144 एंड 169 के बीच में कितने नंबर मिले हमें, 24 नंबर्स, नॉन स्क्वायर नंबर्स, ओके। तो देर आर 24 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, ओके, एंड 13 स्क्वायर। सेम वे 13 के आगे हम बढ़ेंगे, 13 में हम क्या चेंज करेंगे, तो 14 का स्क्वायर आएगा, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो ये 6 और 9 को आगे पीछे कर देंगे तो 14 का स्क्वायर मिलेगा, तो 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, राइट। 9 और 6 को आगे पीछे किया हमने, और दूसरी बात कि 2n+1 फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 × 13+1, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 26+1 दैट इज इक्वल टू 27, तो 169 प्लस 27 करेंगे तो 9+7 16, 6+1 इज 7, 7+2 इज 9 एंड 1, ओके। तो देर आर हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर, 2n नंबर्स, देर आर 2n नंबर्स बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर, तो 2n मीन्स कितने, तो 2 × 13 दैट इज 2 × 13 तो 26, तो देयरफॉर देयर आर 26 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में, 169 एंड 196, ओके। तो 196 का भी मेथड हमने नहीं किया, वो कर लेते हैं, तो 14 × 14 अगेन 4 × 4 = 16, ओके, वन कैरी, 4 × 4 = 16, दिस वन विल बी कैरी, दिस इज़ अवर लास्ट डिजिट, ओके, 6 इज़ अवर लास्ट डिजिट एंड 1 इज़ कैरी, देन 4+4 दैट इज इक्वल टू 8 एंड 8+1 इज इक्वल टू 9, सो 9 इज़ अवर मिडल डिजिट 9 इज़ अवर मिडल डिजिट एंड फर्स्ट डिजिट विल बी 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट डिजिट, ओके, सो 1 इज अवर फर्स्ट डिजिट, सो 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, ओके। तो 2n नंबर्स की भी हमने बात कर ली है, यहाँ पर कितने हैं नंबर, 26, ओके, देन 15 स्क्वायर, अब हम बात करेंगे 15 स्क्वायर की, तो अगेन
टू एन प्लस वन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टू इंटू 14 प्लस वन तो 28 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 29। तो 29 नंबर ऐड करेंगे तो हमें 15 का स्क्वायर मिलेगा। तो 196 प्लस 29 करेंगे तो 6 प्लस 9 इज़ व्हाट 15, 6 प्लस 9 इज़ 15, 19 प्लस 3 22, 225। ओके, 15 का स्क्वायर हमने अलग मेथड से भी किया था कि जब भी लास्ट डिजिट 5 हो तो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, 25 तो लिख ही देते हैं या एक डिजिट इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, एक डिजिट इंक्रीज़ करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2। ओके, तो लास्ट डिजिट 5 वाली भी मेथड हमने देखी थी। फिर सो देर आर वी कैन से 2n नंबर्स बिटवीन, देर आर 2n नंबर्स बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, राइट। तो 2n नंबर मतलब 2 इंटू 14, तो कितना आया था, 28 नंबर्स। देर आर 28 नॉन स्क्वायर नंबर्स, ओके, 28 नॉन स्क्वायर नंबर्स, नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, किस किस के बीच में, 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। ओके, तो 15 स्क्वायर हमारी अलग मेथड है, वो उसे भी हम देखेंगे। 15 इंटू 15 तो 5 5 जा 25, ओके, 5 5 जा 25, 5 इज अवर लास्ट डिजिट, दिस 2 विल बी कैरी, तो 5 इज लास्ट डिजिट, 5 इज लास्ट डिजिट, देन 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 एंड 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, सो 2 विल बी अवर middle digit and 1 will be carry over, okay, so 1 into 1 that is equal to 1 plus 1 that is equal to 2, so is tarike se bhi hum 15 ka square la sakte hai, this is our 2 is our first digit, okay, first digit, to ye bhi humne dekh liya के कितने नंबर बीच में आते हैं। ओके, 28 नंबर्स बीच में आते हैं और 29 नंबर ऐड करेंगे तो 15 का स्क्वायर मिलता है। अभी 16 की बात करेंगे हम, तो 16 मल्टीप्लाई 16, तो 6 6 जा 36, 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36, 6 इज लास्ट डिजिट, ओके, लास्ट डिजिट and 3 will be carry over, 6 plus 6 is equal to 12 and 12 plus 3 is equal to 15, so again 5 is our middle digit and 1 carry over, so 1 into 1 that is equal to 1 and 1 plus 1 is equal to 2, okay, so 2 5 6 it is square of 16, सो 2n प्लस 1 भी हम चेक कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर क्या था, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, ओके, सो 2n प्लस 1 तो 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 सो दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 1 सो 31, सो 225 प्लस 31 सो 6 5 एंड 2, ओके, सो देर आर 2n नंबर्स बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर, देर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स
नंबर्स बिटवीन 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर दैट इज हाउ मेनी नंबर 2 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 30। ओके तो देर आर 30 नंबर्स बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। फिर 16 का स्क्वायर जो था उसके अंदर 2n+1 ऐड करेंगे तो 2n+1 तो 2 इंटू 16+1 दैट इज इक्वल टू 32+1 दैट इज इक्वल टू 33। तो 33 किस में ऐड करना है हमें 2, 5, 6+33 तो 9, 8 एंड 2 सो दिस इज 17 स्क्वायर। ओके और 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। ओके सो 2 इंटू 16 तो कितना हो गया 32। सो देर आर 32 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन इसके इसके बीच में 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। ओके देन एडिंग मोर पेजेस तो 32 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। तो अभी 17 का स्क्वायर करेंगे हम 289 कैसे आया वो मेथड के साथ करते हैं तो 17 इंटू 17 तो 7 7 जा 49 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 तो 9 विल बी अवर लास्ट डिजिट एंड दिस 4 विल बी कैरी ओवर 7+7 दैट इज इक्वल टू 14 एंड 14+4 इज इक्वल टू 18 सो 8 इज अवर सेकेंड लास्ट डिजिट। ओके तो एक चीज़ हम भूल गए तो एक वापस कर लेते हैं 9 इज अवर लास्ट डिजिट। ओके देन 14 7+7 दैट इज इक्वल टू 14 7+7 = 14 एंड 14+4 दैट इज इक्वल टू 18 सो 8 इज अवर सेकेंड लास्ट डिजिट 1 इज कैरी ओवर सो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1+1 दैट इज इक्वल टू 2 सो 289। ओके तो सेम वे बाकी के नंबर में भी हम चेक कर सकते हैं। हर एक नंबर में हम देखेंगे कि 2n+1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर मिलेगा और नॉन स्क्वायर नंबर कितने होंगे तो 2n। तो अभी 19 का स्क्वायर करते हैं 19 इंटू 19 तो 9 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 81 सो लास्ट डिजिट विल बी 1 एंड 8 विल बी कैरी ओवर सो 9+9 अगेन 18 18+8 इज इक्वल टू 26। ओके सो सेकंड लास्ट डिजिट 6 एंड 2 कैरी देन 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 1+2 दैट इज इक्वल टू 3। ओके सो 361 इज अवर फर्स्ट डिजिट। ओके दिस इज फर्स्ट डिजिट दिस इज मिडल डिजिट 6 इज मिडल डिजिट एंड 1 इज अवर लास्ट डिजिट। ओके देन 20 का स्क्वायर तो हमें पता है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और जितने भी जीरो है उसके हमें डबल कर देना है एक जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे तो 400 और वो भी हम चेक कर सकते हैं 2n+1 से। ओके 2n+1 अगर हमने अप्लाई किया तो
टू इंटू 19 प्लस 1, ओके तो 38 प्लस 1 करेंगे तो 39, तो 361 प्लस 39 दैट इज इक्वल टू 400। सेम वे 21 का भी हमने आगे देखा था बराबर, जब हमने 12 का किया था तो हमने किसका किया था, 21 का किया था। ट्वेल्व का स्क्वायर हमने लिखा था तब, ट्वेल्व का हम उल्टा करते हैं तो क्या मिलता है, 21 का मिलता है, ओके। ट्वेल्व का हमने कहा किया था, ट्वेल्व स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ओके। तो ट्वेल्व का उल्टा, जैसे 13 का उल्टा किया था वैसे 12 का उल्टा करेंगे हम, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर हम करेंगे 441 इज इक्वल टू 21 स्क्वायर, ओके। तो ऐसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 का स्क्वायर, उसका हमने मेथड नहीं किया यहाँ पर, यहाँ पर ऊपर किया है, ओके। तो हम चेंज करके कर सकते हैं। देन सेम वे लास्ट हमने किसका किया, आगे बढ़ते हैं, 20 का हो गया, अभी 21 की बात करते हैं। 21 का अभी देखा हमने 12 का उल्टा 441, तो उसमें भी हम देख सकते हैं 1 1 जा 1, ओके 1 1 जा 1, दिस इज लास्ट डिजिट, ओके। तो 1 प्लेइंग विथ 1 में भी हम, वो वाले वीडियो में भी हमने देखा है ये कि जब 1 होता है तो बाकी का प्लस भी करना होता है, तो 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, ओके। सो दिस इज मिडल डिजिट एंड दिस इज फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, ओके। अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, 22 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 इंटू 2, राइट, 2 इंटू 2 करेंगे, 2 2 जा 4, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, दिस इज़ अवर लास्ट डिजिट, ओके 4 इज़ अवर लास्ट डिजिट, देन 2 2 जा 4 क्रॉस में मल्टीप्लाई, और ये 2 2 जा 4 क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस 4 8, दिस इज़ अवर मिडल डिजिट, ओके दिस इज मिडल डिजिट, देन 8 इज अवर मिडल डिजिट, अगेन दिस 2 2 जा 4 फर्स्ट डिजिट वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो बाई दिस वे 22 स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं, देन 23 स्क्वायर, ओके तो 20 और ये हमारा फर्स्ट डिजिट है, ये हमारा लिखना रह गया फर्स्ट डिजिट, ओके फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, देन 23 स्क्वायर करते हैं सेम वे, तो 23 इंटू 23, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दिस इज लास्ट डिजिट, ओके। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 6, तो 6 प्लस 6 इज़ 12, सो मिडल डिजिट इज 2, और ये 1 कैरी 1 होगा, 1 इज़ कैरी, वो 1 होगा 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई, उसमें ऐड, सो 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, 529 इज स्क्वायर ऑफ 23, ओके। इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फार्मूला से भी कर सकते हैं, जो हमने एक अगले वीडियो में देखा था, ओके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² वाली फार्मूला से, बराबर। तो उससे भी हम करना चाहे तो 23 स्क्वायर, बराबर, तो उसमें बी स्क्वायर क्या है हमारा 9, फिर 2ab, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 1 कैरी, ओके, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, तो ऐसे डायरेक्ट भी हम कर सकते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फार्मूला से। देन 24 स्क्वायर, सो 24 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16,
ओके, फोर फोर जा 16, सिक्स इज लास्ट डिजिट, वन कैरी, ओके वन कैरी लास्ट डिजिट, वन इज कैरी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, टू फोर जा और ये टू फोर जा, टू इंटू फोर इज इक्वल टू एट, टू इंटू फोर इज इक्वल टू एट, एट प्लस एट 16, दिस विल बी आवर मिडल डिजिट, सिक्स इज आवर मिडल डिजिट, ओके टू प्लस, अच्छा मिडल डिजिट में प्लस वन करना है हमें, तो 17 हो जाएगा, सो 7 इज आवर मिडल डिजिट, नॉट दिस 6, ओके 6 मिडल डिजिट नहीं है, 7 इज आवर मिडल डिजिट, देन दिस 1 विल बी कैरी ओवर, ओके वो किस में ऐड होगा, 2 टू जा करेंगे, 2 टू जा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, 5 76 इज स्क्वायर ऑफ 24, फिर अभी उसमें 2n प्लस 1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर हमने अप्लाई की थी, तो 25 का स्क्वायर हमें मिलेगा, इसको भी हम ए प्लस बी होल स्क्वायर से कर सकते हैं, देन 25 स्क्वायर, तो 5 आ जा 25, ओके 5 आ जा 25, तो 2 5 इज लास्ट डिजिट, 5 लास्ट डिजिट एंड 2 कैरी, देन 2 5 जा एंड 2 5 जा, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, टोटल होगा 20, 20 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 22, सो 2 इज मिडल डिजिट, मिडल डिजिट एंड दिस 2 विल बी कैरी ओवर, ओके और वो किस में होगा, एड 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, ओके 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, सो 625 स्क्वायर ऑफ 25, तो इसको वो वाली मेथड से भी हमने किया था, क्या करते थे हम, जैसे 15 में हमने बताया था लास्ट डिजिट जब 5 हो तो 25 रख ही देते हैं और 2 की जगह 3 कर देते, 2 3 जा 6 बराबर, ये भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लास्ट डिजिट 5 हो तो ऐसे ऐड करके कर सकते हैं हम, ओके अभी इसमें 2n प्लस 1 अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 26 का स्क्वायर मिलेगा और 24 और 24 के बीच में 48 नंबर्स होंगे, 2 इंटू 24, ओके अब इसमें 2n प्लस 1 ऐड करेंगे तो किस नंबर मिलेगा हमें, 26 का स्क्वायर मिलेगा हमें, ओके सो 26 स्क्वायर, 26 इंटू 26, 6 6 जा 36, ओके 3 कैरी, तो 6 इंटू 6 36, 6 इज लास्ट डिजिट एंड 3 कैरी, तो लास्ट डिजिट एंड 3 कैरी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 2 6 जा 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12, तो 24 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 27, तो 7 जो है वो लास्ट डिजिट है, मिडल डिजिट है और दिस 2 विल बी कैरी ओवर, ओके तो 7 एंड और क्या करेंगे हम, अब करेंगे 2 इंटू 2 फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई, तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, सो दिस इज अवर फर्स्ट डिजिट, ओके 7 इज मिडल डिजिट, ओके 7 इज मिडल डिजिट, 6 इज फर्स्ट डिजिट, तो सेम वे 27 का भी हम कर सकते हैं, 32 तक हम कर रहे हैं, 27 स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, 9 इज अवर लास्ट डिजिट, ओके 9 इज लास्ट डिजिट, 4 विल बी कैरी ओवर, सो 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 नहीं करना है हमें, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा करेंगे, ओके 2 7 जा 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14, 2
टू इंटू सेवन इक्वल टू 14, तो 28, 28 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 32, ओके सो 32, तो 2 इज अवर मिडल डिजिट, मिडल डिजिट एंड 3 विल बी कैरी ओवर, ओके तो 3 कैरी ओवर किस में होगा, 2 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7, तो 729 इज स्क्वायर ऑफ 27, तो सेम वे 7 इज अवर फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, देन 28 स्क्वायर सेम वे वी आर डूइंग, तो 27 स्क्वायर में 2 एन प्लस 1 हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 28 का स्क्वायर, और 27 28 के बीच में कितने 2 एन मतलब 56 नंबर, बराबर दोनों के बीच में 56 नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। अभी 28 का स्क्वायर करते हैं, 28 मल्टीप्लाई 28, तो फर्स्ट विल डू 8 जा 64, तो 4 इज आवर लास्ट डिजिट, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 8 जा 2 इंटू 8 16, तो 32 प्लस 6 तो क्या मिलेगा 38, तो 8 आएगा यहाँ पर मिडल डिजिट, ओके मिडल डिजिट, देन 3 विल बी कैरी ओवर, यहाँ जैसे 6 कैरी ओवर था ओके जो यहाँ पर ऐड हुआ था, तो वो किस में ऐड होगा, अभी यहाँ पहले हमने क्या किया था 8 जा किया था, अब 2 जा करेंगे, 2 जा 4, 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7, तो 784 इज स्क्वायर ऑफ 28, देन सेम वे 29 स्क्वायर, तो 29 स्क्वायर भी, तो इसमें 7 क्या मिला हमें, फर्स्ट डिजिट मिला, फर्स्ट डिजिट, तो 784 में 2 एन प्लस 1 ऐड करेंगे हम, ओके तो 2 इंटू 28 प्लस 1 तो 57 ऐड करेंगे तो हमें 29 का स्क्वायर मिलेगा, और दूसरा क्या कि 2n नंबर मतलब 2 इंटू 28 मतलब 56 नंबर्स हम ऐड करेंगे तो दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर है वो पता चलेगा, तो 29 इंटू 29 करते हैं तो 9 जा 81, 1 इज लास्ट डिजिट, 8 इज कैरी ओवर, ओके 9 जा गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 9 जा 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 9 18, तो 36 प्लस 8 तो 44, दिस 4 विल बी मिडल डिजिट, दिस 4 विल बी कैरी ओवर, ओके मिडल डिजिट, देन अभी क्या करेंगे 2 जा करेंगे, 2 जा फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई, 2 जा 4, 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8, तो 841 स्क्वायर ऑफ 29, ये 30 का स्क्वायर तो हमें पता है, ओके इसके अंदर 2n प्लस 1 ऐड करेंगे तो 30 का स्क्वायर मिल जाएगा 841 में, और बिटवीन नंबर फाइंड करने तो 2n फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 30 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर 10 है तो डबल 0 करेंगे तो 900, सेम वे 31 का स्क्वायर वो 13 स्क्वायर का उल्टा होता है, ओके 13 स्क्वायर उसका उल्टा क्या होगा 31 स्क्वायर, ओके 31 स्क्वायर मतलब 169 उल्टा करेंगे 961 होगा, ओके और मेथड से भी हम कर सकते हैं इसको, 31 इंटू 31, 1 1 जा 1 और 3 प्लस 3 क्या करेंगे 6 और 3 3 जा 9 बराबर 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, देन 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, दिस विल बी मिडल डिजिट एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9,
दिस विल बी फर्स्ट डिजिट। ओके नाउ 32 का करते हैं। ओके तो 32 वो भी 2n+1 से हमें मिल जाएगा 63। 31 टू जा 62 प्लस 1 करेंगे तो 63 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 32 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो 32 इंटू 32 तो 2 टू जा 4। ओके 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 लास्ट डिजिट, देन 2 3 जा करेंगे, 2 3 जा करेंगे। ओके 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 इज 12। ओके सो 2 इज अवर मिडल डिजिट एंड 1 इज कैरी ओवर मिडल डिजिट, और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 10 24 स्क्वायर ऑफ 32। ओके सो 10 इज अवर फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट। तो इसको हम और एक मेथड से भी कर लेते हैं, और एक कौन सी मेथड है हमारी, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला। ओके तो 32 स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2ab तो 2 इंटू 3 इंटू 2 तो क्या होगा, 2 3 6 6 2 12, 1 कैरी होगा, सेकंड लास्ट डिजिट 2 होगा और 1 कैरी, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, बराबर। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्क्वायर करते हैं। ओके शॉर्ट में, जिससे आपका एग्ज़ाम में टाइम कम जाए, बराबर। ऐसा हमें हजामत तो करनी ही नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करते रहें और हमारा टाइम चला जाए, टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए ये वीडियो बनाया है। ओके तो इसको हम एंड करते हैं।